देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो क्या कहते हैं देवता? अहो अमीसाम किमकारि शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम दृशु भारता जिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिनः। देवता भी कहते हैं कि प्रभु हमें आपने भारत में जन्म क्यों नहीं दिया, स्वर्ग में केवल किए कर्म का फल सुख भोग लेंगे, बाद में फिर संसार में गिराएंगे जन्म लेंगे। भारत में जन्म लिए जितने लोग हैं कितने भाग्यशाली हैं, चाहे तो निष्काम कर्म करके भगवत धाम को पालें, सत्कर्म करके चाहे स्वर्ग पालें, और बुरे कर्म करके चाहे नरक चले जाएं। भारत ऐसा अद्भुत देश है जहां पर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक कोई ना कोई उत्सव होता है। ये वो भारत देश है जहां वीर जवान सैनिक अपने प्राणों को हथेली में रखकर भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये वो भारत देश है जहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेता है। आप नवद्वीप में चले जाइए, कितने उच्च कोटि के भक्त हुए, कहां कहां भक्त हुए। बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर बट हरि कीर्तन को आनंद अपार है, कीर्तन अपार है बट हर कीर्तन को आनंद अपार है, कीर्तन को आनंद अपार है। बंग में मृदंग पे गौरंग ने उमंग भर बट हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बट हरि कीर्तन को आनंद अपार है। तानपुर सुर को त्यों खंजरी कबीर जी की दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है, दूर दूर की नीनी भक्ति को प्रचार है। तुकाराम हरि नाम नाम ते भंडारा गिरी नरसिंह जायो जूनागढ़ गिरनार है, नरसिंह जायो जूनागढ़ गिरनार है। घुंघरु झनक कर ताल की खनक मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है, भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगाधार है। बंग में मृदंग पे गौरांग ने उमंग भर बटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है, बटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। तानपुर सोर को त्यों खंजरी कबीर जी की दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है, दूर दूर की नीनी की भक्ति को प्रचार है। और पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ देखो महापुरुषों का प्राकट्य हुआ है। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सरयू नर्मदा जैसी पवित्र नदियां जिनका नाम लेने से मन चित्त पावन निर्मल हो जाता है। यो भारत देश है जहां चार धाम हैं, जहां पर अष्टभू वैकुंठ हैं, 108 दिव्य देश हैं, जहां पर 18 पुराण हैं, और महाभारत जैसा ग्रंथ है, रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ है। यहां का हर व्यक्ति माता पिता को तो भगवान की तरह मानता है, प्रतिमा में साक्षात ब्रह्म मानता है। एक दीनहीन गरीब दरिद्र को भी भोजन कराता है और दरिद्र नारायण कहकर प्रणाम करता है। यो भारत देश है जहां का हर व्यक्ति आस्तिक सात्विक है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को देख करके भगवान के संपूर्ण अवतार भी भारतवर्ष में होते हैं।